आपको याद होगा हाल ही में सोपोर कुपवाड़ा हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ था। उस हिट एंड रन केस में दो नौजवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसी हवाले से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिस नौजवान की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शौकत अहमद मीर, जिन्होंने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया है। सोपोर का रुख करेंगे, हमारे साथ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, दो नौजवान घायल हुए थे जिसमें से एक की जान चली गई है, और क्या कुछ जानकारी? जी प्रियंका, मैं आपको बताऊं, ये एक्सीडेंट जो है 22 अगस्त को जो है रात के लगभग 7:30 बजे सोपोर कुपवाड़ा नेशनल हाईवे पे जो है ये हादसा पेश आया था, जिसमें अगर हम देखें ये दो नौजवान जो है अपनी साइकिल पे जा रहे थे, और इसका नाम जो है शौकत अहमद मीर, सन ऑफ मोहम्मद रमजान मीर, जो कि सोपोर तुजर शरीफ का रहने वाला है, और इसके साथ साथ इसका एक दोस्त जिसका नाम मुदस्सिर अहमद लोन, सन ऑफ हबीबुल्ला लोन। और इसकी एज अगर हम देखें, शौकत अहमद मीर की एज जो है 20 साल बताई जा रही है, और जो मुदस्सिर अहमद लोन इस एक्सीडेंट में जख्मी हुए थे उनकी एज जो है 23 साल बताई जा रही है। और गंभीर रूप से जो है ये दोनों घायल हुए थे, और बताया जा रहा है कि वहां पे जो है इनको गाड़ी ने टक्कर दी। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या टिप्पर वाले ने टक्कर दी थी या किसी और गाड़ी ने इनको जो है टक्कर मार के वो वहां से फरार हो गया था, क्योंकि शाम का टाइम था। तो उसके बाद वो गंभीर रूप से वहां पे जख्मी हुए थे, और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि एक बस वहां से गुजर रही थी जो कि कुपवाड़ा से आ रही थी, उन्होंने जो है उनको देखा और वहां से इनको उठा के जो नजदीकी वहां पे एक यूनसू इलाके में जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे उनको लिया गया। उसके बाद जो है इनको शिफ्ट सोपोर एसजीएच हॉस्पिटल किया गया, और वहां से जो है इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे, तो इनको जो है सिकिम सोबरा जो है वहां से रेफर किया गया था। और लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज सुबह सुबह जो है लगभग 7:30 के आसपास जो है इन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो है वहां हॉस्पिटल में ली, क्योंकि ये क्रिटिकली इनको हेड इंजरी हुई थी, और जिसमें आज सुबह सुबह जो है ये अपनी जिंदगी से, जिंदगी की जान जो है वो हार चुके। और जो ही ये खबर पूरे इलाके में फैली तो पूरे इलाके में जो है मातम छा गया, पूरे इलाके में जो है पूरा इलाका जो है बाहर आया। और अगर हम देखें यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी की गई है, और इसका नाम जो है शौकत अहमद मीर बताया जा रहा है, 20 साल इसकी उम्र है, और यूनसू सोपोर से ये अपने घर की तरफ जा रहा था लगभग 7:30 के आसपास अपने दोस्त के साथ साइकिल पे, और पीछे से एक गाड़ी आती है और इनको हिट करके वो वहां से भाग जाती है, और ये दोनों जो है क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको वहां से रेफर किया गया सोपोर एसजीएच हॉस्पिटल, और वहां से जो है इनको फिर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। लेकिन अगर हम देखें, ये आईसीयू में 2 दिन रहे, और आज सुबह सुबह जो है इसने अपनी आखिरी सांसें ली, और जो ही ये इलाके में ये खबर फैली तो पूरा इलाका जो है मातम छा गया, पूरे इलाके में मातम छा गया। और हमने भी इनके दोस्तों से बात की, क्योंकि इनके घर वालों से तो बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा गम में है। और इनके दोस्तों का कहना है कि ये यूनसू से आ रहे थे साइकिल पे, दोनों दोस्त साइकिल पे थे, और पीछे से गाड़ी ने हिट किया है, लेकिन अभी तक पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस गाड़ी ने इनको हिट किया। हालांकि अभी जो है वो अभी सामने नहीं आ रहा है कि किस गाड़ी ने इनको हिट किया है, लेकिन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। और आज सुबह सुबह जो है ये दुखद खबर, एक नौजवान जो कि तुजर शरीफ का रहने वाला 20 साल नौजवान जो है अपनी जिंदगी की जान जो है हार चुका है। जी बिल्कुल, आखिर में बताइएगा नदीम, हिट एंड रन केस है, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी या जिस टिप्पर ने टक्कर मारी थी उसका अभी तक कुछ पता चल पाया है, वो गिरफ्त में आया है? नहीं प्रियंका, अभी तक तो ये खबर सामने नहीं आ रही कि वो गाड़ी कौन थी, किस नाम से वो गाड़ी है, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें ये नेशनल हाईवे है, रात का टाइम था, तो वहां पे जो है ट्रैफिक मूवमेंट कम देखने को मिलती है, तो ये वहां से गुजर रहे थे तो किस गाड़ी ने टक्कर दी है अभी वो जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने केस भी दर्ज किया है, और ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि किस गाड़ी ने जो है इनको हिट किया, पुलिस इसके हवाले से जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम सोपोर से जानकारी दे रहे थे, तस्वीर आप देख रहे हैं शौकत अहमद मीर की, 20 साल नौजवान और तुज्जर शरीफ के रहने वाले हैं। उनके फ्रेंड मुदस्सिर अहमद लोन भी उनके साथ साइकिल पर सवार था, जब एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी और वहां से भाग गई। और बेहद ही दुखद खबर है कि शौकत अहमद मीर ने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, इसी मैसेज के साथ, कि जब भी आप गाड़ी चलाएं बहुत बहुत ध्यान से चलाएं, अपनी जान का भी ख्याल रखें, दूसरों के भी जान का ख्याल रखें। फिलहाल इस लाइन में इतना ही, देखते रहिए।